तो दोस्तों आपको 1 जुलाई को देखने को मिलेगी फाइनली रॉकेटरी। और आपको बता दूं इसके ट्रेलर लॉन्च पे माधवन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आएगा और ये भी कि यार क्या ही कर रहे हैं हम लोग, और ये कहानी अभी तक छुपी हुई क्यों थी। देखिए सबसे पहले इस कहानी के डायरेक्टर आर माधवन है, स्क्रीन राइटर आर माधवन है, एक्टर आर माधवन है, और फिल्म में आपको शाहरुख खान और सूर्या भी देखने को मिलेंगे। फिल्म की हाइप जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैंने ये पूरा सेशन सुना आर माधवन का, देन आई गॉट टू नो कि भाई कितना लेजेंडरी आदमी है यार ये। अपने मैडी के साथ साथ नंबी नारायण जी भी, यार क्या ही कहानी है इनकी। और अभी तक किसी को पता ही नहीं था, अभी भी बताते हैं कि इंडियन स्पाई थे, मतलब कि यार जासूसी की इन्होंने, पाकिस्तान को कई सारी चीज़ें बेची हैं, रशिया को कई सारी चीज़ें बेची हैं। खैर ये मस्ट वॉच मूवी होने वाली है आप सबके लिए। एंड जब बताया माधवन ने कि यार 6 साल लगाए हमने इस फिल्म के पीछे, क्योंकि बिगिनिंग में जब इस मूवी को लेकर थॉट आया था तो इन्होंने स्टार्टिंग की कहानी बना ली थी, एंड धीरे धीरे नम्मी जी ने बताया कि यार ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, पूरी कहानी बुनने में और वो सारा ढांचा दिखाने में इनको 6 साल लगे हैं। एंड उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि इस कहानी से भी पावरफुल एक कहानी थी जो कि पृथ्वीराज की थी, लेकिन उसके साथ मजाक किया गया। 40 दिन में फिल्में नहीं बनती हैं, अगर यही एटीट्यूड रहा तो आप बेशक पैसा कमा सकते हैं लेकिन जो जनता है उसको एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। और मूवी बनाने का पर्पस यही है कि जनता खुश रहे, उनको उनकी एंटरटेनमेंट पैसे की वैल्यू मिल जाए। हम ना तो एंटरटेनमेंट दे पा रहे और ना ही पैसे की वैल्यू, तो यार मूवी पर थोड़ा टाइम लगाया जाए। और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है। अब बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो साल की 4 फिल्में करना चाहते हैं, 5 फिल्में करना चाहते हैं, और इस रेस में अब काफ़ी लोग आ गए हैं कि पैसा तो बने रहे, जब आप 40 दिन में एक मूवी ख़त्म कर सकते हो तो क्यों उस मूवी पर आपने 2 साल लगाया। बट भाई 2 साल का रिजल्ट भी वैसा ही आता है। यू सी बाहुबली, 5 साल तक पेशेंस रखा प्रभास ने कि नहीं भाई नहीं मैं नहीं करूँगा। 3 साल तक अल्लू अर्जुन ने पेशेंस रखा कि नहीं 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 भाई नहीं नहीं भाई। एंड यू सी आज कितने बड़े स्टार हैं, आप यस को देखिए, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल एक प्रोजेक्ट को दे दिए हैं और कुछ नहीं करूँगा। एक मूवी से कितने बड़े स्टार बन गए हैं। बट इफ़ यू लाइक दिस कि भाई पैसा ही कमाना है तो यार ऐड कर लो ना, पब्लिक के पैसे क्यों खराब कर रहे हो। अगर आप लोग भी यार माधवन की बात से एग्री करते हैं तो उस बात पे यार एक लाइक तो बनता है, एंड कमेंट करके बताओ कि यार एक मूवी की स्पेसिफिक टाइमिंग क्या होनी चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जल्दी से करके बताओ। बाकी मिलता हूँ बहुत जल्द नई न्यूज़ नई अपडेट्स के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।